विश्व के कई देशों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। हम किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, ना ही अपने देश के अंदरूनी मामलों में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद करते हैं। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलते हुए विश्व को पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने महत्वपूर्ण काम किया है। चाहे संसार में विराम संधि का मामला हो, चाहे युद्ध बंदियों को छोड़ने का सवाल हो, चाहे महामारी से मानवता को बचाने का सवाल हो, चाहे उपनिवेशवाद को इस दुनिया से खत्म करने का सवाल हो, क्यों ना हो, भारत सदैव ही प्रयत्नशील रहा है। हमारे देश के गणमान्य नेताओं ने विश्व के देशों में जा जाकर आपस में सद्भावना बढ़ाई एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश संसार में फैलाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज विश्व के सभी देशों के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। हमने अनेक पिछड़े देशों की उदारता पूर्वक सहायता भी की है। इसके साथ ही साथ विश्व के अनेक देशों की हमने हर प्रकार से विपत्ति के समय मदद की है। पैरा पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भारत ने चहुमुखी प्रगति की है और अभी भी इस देश के विकसित विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का ही सहारा लिया जा रहा है। चाहे अन्न का उत्पादन हो, चाहे यहाँ अनुसंधान शालाएं स्थापित करने का सवाल हो, घरेलू उद्योग अथवा कुटीर उद्योग स्थापित करने हो, अथवा सिंचाई का प्रबंध करना हो, कल कारखानों की स्थापना करनी हो, अथवा बिजली का उत्पादन बढ़ाना हो, योजनाबद्ध तरीके से हमने उत्पादन में चतुर्मुखी वृद्धि की है और हम विकास के पथ पर लगातार अग्रसर हैं। इसका श्रेय हमारे देश के कर्णधारों, कार्यकर्ताओं एवं श्रमिकों को जाता है। हमारे राज्य नेता, राष्ट्र अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सदस्य भी विदेशों की यात्रा पर जाते रहते हैं और वहां हमारे राजदूतावासों के निमंत्रण पर उन देशों की जनता के साथ भारत की मित्रता बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं। आज संसार के बड़े बड़े राष्ट्रों में हमारी राष्ट्रभाषा अथवा राज्यभाषा, हमारे राष्ट्र गौरव, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत का बड़ा आदर किया जाता है। उसी प्रकार हम भी उन देशों की भाषाओं, संस्कृति अथवा विचारों का आदर करते हैं। विदेशों में भारत के राजदूतावासों पर हमारा राष्ट्रीय झंडा लहराता है, उसी प्रकार भारत में विदेशी राजदूतावासों पर भी विदेशी झंडे लहराते हैं। पैरा
भारत राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है, जिसमें एशिया के अनेक देश सम्मिलित हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि भी हैं। वहां अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जाते हैं और बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। कई देशों के प्रतिनिधि इस प्रकार की बैठकों में भाग लेते हैं और अपने अपने देश का दृष्टिकोण वहां प्रस्तुत करते हैं। किसी मसले पर तो बैठक से बहिर्गमन अथवा बहिष्कार भी करने के समाचार हमें मिलते हैं। इसी प्रकार विश्व में अनेक संघ अथवा महासंघ हैं, जिनमें आपसी महत्व के कार्यक्रमों पर विचार किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सर्वोच्च संगठन है।